तो आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम के बेसिकली दो पार्ट होते हैं, जिसको हम लोग पहला है जिसको हम लोग रियल नंबर कहते हैं, और दूसरा है जिसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं। रियल नंबर उसको कहते हैं जिसको स्क्वायर करने पे, यानी स्क्वायर, यानी स्क्वायर कहते हैं किसी भी पावर दो को स्क्वायर कहते हैं। तो अगर किसी नंबर पे स्क्वायर करते हैं तो आंसर अगर पॉजिटिव आता है तो उसको कहेंगे रियल नंबर। जैसे कि रूट टू है, रूट टू को अगर हम स्क्वायर करेंगे, रूट टू को अगर स्क्वायर करते हैं तो आंसर टू आएगा, जो कि क्या है, पॉजिटिव नंबर है। उसी तरह माइनस थ्री है, माइनस थ्री को अगर स्क्वायर करते हैं तो आंसर क्या आएगा, प्लस नाइन। तो यानी वैसा नंबर जिसको स्क्वायर करने पर आंसर पॉजिटिव आए उसको कहेंगे रियल नंबर, और इमेजिनरी नंबर वैसा नंबर जिसको स्क्वायर करने पर आंसर निगेटिव आए। इसकी पहचान है कि रूट के अंदर अगर कुछ भी माइनस में है तो उसको इमेजिनरी नंबर कहेंगे। जैसे रूट माइनस थ्री एग्जाम्पल में है, रूट माइनस फोर, रूट माइनस नाइन, जब इसको स्क्वायर करेंगे तो आंसर क्या आएगा, रूट और स्क्वायर कटेगा, कट के माइनस थ्री आएगा। यानी वैसा नंबर जिसको स्क्वायर करने पर निगेटिव आए उसको कहेंगे इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर के कोई पार्ट नहीं है, पार्ट है रियल नंबर के। रियल नंबर के भी दो पार्ट हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर इसको कहते हैं, रेशनल नंबर के यहाँ तीन डिफिनेशन दिए, उसी तरह के इरेशनल के भी तीन डिफिनेशन है। तो बारी बारी से तीनों को देखेंगे। पहला डिफिनेशन है कि वैसा नंबर है, नंबर हुज विच कम्स आउट फ्रॉम रूट, यानी जो रूट से बाहर आ जाए। जैसे कि रूट फोर, रूट फोर का क्या होगा, टू, यानी रूट से बाहर आ गया तो टू क्या है, रूट फोर क्या है, एक रेशनल है। यानी जो रूट से बाहर आ जाए वो रेशनल नंबर है। दूसरा डिफिनेशन है, नंबर हुज डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज इधर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, यानी जब उसको डिवाइड देंगे डेसिमल में लिखेंगे तो या तो टर्मिनेट करेगा, टर्मिनेट करने का मतलब रुक जाएगा। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं 1/4, जब 1/4 को डिवाइड देंगे तो आएगा 0.25, तो ये टर्मिनेट कर गया, यानी देखो दो डेसिमल के प्लेस के बाद ये रुक गया, टर्मिनेट मतलब रुकना। तो ऐसे नंबर को कहेंगे रेशनल नंबर। या तो रिपीट करे, रिपीट करने का मतलब बार बार वही नंबर रिपीट हो, जैसे 1/3, 1/3 को जब हम लोग डिवाइड देंगे तो 0.333 बार बार रिपीट करेगा, तो ये भी क्या है, रेशनल नंबर। तो या तो टर्मिनेट करे या तो रिपीट करे, दोनों में से कुछ भी होगा तो रेशनल कहेंगे। तीसरा डिफिनेशन जो बेसिकली किताबों में दिया रहता है, वे नंबर ऑफ फॉर्म P/Q, जो P/Q के फॉर्म में, यानी इस बटा के फॉर्म में, जहाँ पी और क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर, इंटीजर होना चाहिए। आगे हम लोग देखेंगे इंटीजर क्या है, एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो मतलब डिनोमिनेटर, यानी इसके दो पार्ट होते हैं A/B, एक होता है न्यूमरेटर, ऊपर का इसको कहते हैं न्यूमरेटर और ये नीचे वाले को डिनोमिनेटर, ये जो है ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ये तीसरा डिफिनेशन। उसी तरह से इरेशनल का भी तीन डिफिनेशन, ए नंबर विच डू नॉट कम आउट फ्रॉम रूट, जो रूट से बाहर नहीं आए, जैसे कि ये था रूट से बाहर आ जाए, ये रूट से बाहर नहीं आएगा, जैसे कि रूट टू, रूट टू रूट से बाहर नहीं आएगा, तो ये हो गया इरेशनल। उसी तरह से रूट थ्री, रूट फाइव, और दूसरा डिफिनेशन है कि जिसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ना ही टर्मिनेट करेगा ना ही रिपीट करेगा, यानी ना ही रुकेगा ना ही बार बार रिपीट होगा। इसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे रेशनल का, 8/3, माइनस थ्री, ज़ीरो, ज़ीरो भी रेशनल नंबर है, रूट फोर, रूट फोर का टू हो गया, ये सब क्या है, रेशनल नंबर है, और 1/3, 1/3 जो हम एग्जांपल दिए थे कि रिपीट करेगा 0.333, और जब भी ये रिपीट करता है तो इसको अगर हमको सिंगल लिखना है तो इस तरह से लिखा जाता है 0.3 पे ये बार, इसको बोलते हैं बार। उसी तरह से इरेशनल में क्या होगा, नंबर विच इज़ नॉट अ फॉर्म P/Q, जो P/Q के फॉर्म में नहीं होगा, जहाँ P और Q इंटीजर नहीं होगा और Q ज़ीरो नहीं होगा। इसका एग्जांपल है इरेशनल का, रूट टू, रूट थ्री, और ये देखो ये हो गया क्या है, ना टर्मिनेट कर रहा ना ही रिपीट कर रहा, ना ही रुक रहा और ना ही बार बार सेम आ रहा है, 0/1, 0/0/1, 0/0/0, 1/1, इस तरह से बढ़ता जाएगा, जब भी ना ही टर्मिनेट करे और ना ही रिपीट करे तो इरेशनल होगा। इरेशनल के कोई पार्ट नहीं है, रेशनल के पार्ट है, रेशनल के दो पार्ट, दो पार्ट ने ऐसे बहुत सारे हैं, देखेंगे 1/1। पहला डेसिमल, डेसिमल हम लोग जानते हैं जब भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर इस फॉर्म में हो जाए, 10, 100, 1000, तो वो क्या हो जाता है, डेसिमल हो जाता है। जैसे एग्जांपल 2/100, तो 2/100 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 0.02, ठीक है, इसका सिंपल एग्जांपल। और जैसे 0.23, तो ये सब क्या है, डेसिमल है, डेसिमल, इस पॉइंट को कहते हैं डेसिमल पॉइंट, और डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट पार्ट होता है इसको होल पार्ट कहते हैं, डेसिमल पॉइंट के जो राइट पार्ट है इसको कहते हैं डेसिमल पार्ट। और फ्रैक्शन देखेंगे, फ्रैक्शन मतलब होता है पार्ट ऑफ होल, किसी पूरे के एक भाग को कहते हैं, जैसे कि एक पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा को हम चार भाग में बांटते हैं, तो ये अगर हम एक भाग को कंसिडर करें तो क्या लिख सकते हैं, 1/4, टोटल कितने हैं, 4, तो 1/4,
ये होता है फ्रैक्शन पार्ट ऑफ होल, जिसमें न्यूमरेटर जो होगा छोटा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा, क्योंकि पूरा पार्ट से हम देख लें कंसिडर करेंगे कितना पार्ट हमको लेना है, पार्ट ऑफ होल ये हमेशा पॉजिटिव होता है। रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में यही अंतर है, रेशनल के अंदर फ्रैक्शन आता है लेकिन सभी फ्रैक्शन को रेशनल नहीं कहेंगे, वो फ्रैक्शन रेशनल कहलाएगा जो पॉजिटिव होगा। उसी तरह से इंटीजर, इंटीजर क्या है, कॉम्बिनेशन है, किसका कॉम्बिनेशन, होल नंबर और निगेटिव नेचुरल नंबर का, यानी इसमें निगेटिव भी आता है, पॉजिटिव भी आता है और ज़ीरो भी आता है, ये सब क्या आ गया, इंटीजर हो गया। इसको हम लोग डिनोट करते हैं, यानी दर्शाते हैं आई से या फिर जेड से, जब भी आई और जेड लिखा जाए समझो कि इंटीजर को बता रहा हूँ। फिर है होल नंबर, होल नंबर क्या है, जब भी नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है ज़ीरो से तो उसको कहते हैं होल नंबर, जैसे 0, 1, 2, 3 स्टार्टिंग ज़ीरो है, यानी सबसे छोटा होल नंबर ज़ीरो हो गया, और सबसे बड़ा होल नंबर इन्फिनाइट है, यानी उसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते। होल नंबर को डिनोट करते हैं डब्ल्यू से। और लास्ट है रेशनल नंबर है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या हम लोग जानते हैं, जो भी काउंटिंग नंबर जो हम लोग गिनती करते हैं वो सब क्या है, नेचुरल नंबर, ये स्टार्ट होता है 1 से। तो होल नंबर और नेचुरल नंबर में डिफरेंस क्या है, होल नंबर स्टार्टिंग विद 0 एंड नेचुरल नंबर स्टार्टिंग विद 1, ये भी इसका स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 होगा और एंड होगा इन्फिनाइट तक। नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं हम लोग एन से। तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में।